पता नहीं यार, अभी समझ नहीं आ रहा अभी क्या फील हो रहा है। अभी इमोशन भी है एंड तो नर्वसनेस भी है, तो सारे इमोशंस एक साथ हैं अभी। हाँ, वो मतलब तो वो बहुत ही ऐसे बहुत ही ज्यादा स्पेशल फीलिंग है। यस, हाँ ये तो है। हम लाइक ब्लॉग्स हम डालते थे, लोग कमेंट करते थे, बाहर मिलते थे कि यार शोएब भाई, दीपिका, आपके ब्लॉग्स हम देखते हैं, बहुत पसंद आते हैं, फैमिली जैसा है, कनेक्ट करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा कुछ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है। एक बार एक्सपीरियंस किया था जब आप बिग बॉस में थे। ब्लेस्ड हूँ, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है और उसका दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह आप सबको जो है वो खुश रखे। और तुम्हारे चेहरे पे इतनी टेंशन दिख रही है, इतनी टेंशन दिख रही है, इतनी नर्वसनेस दिख रही है। जाओ चलो, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो दे नहीं पाएगा, वो सारी चीजें हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब देख माय ट्यूब चैनल अनीरा रिएक्शन। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, बिग बॉस 18 में बिग बॉस कंटेस्टेंट की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें नाम सबसे ऊपर शोएब इब्राहिम का आ रहा है। अब बताया जा रहा है कि बिग बॉस 18 में जाने के लिए शोएब इब्राहिम ने बिग बॉस के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। उस शर्त से हर कोई हैरान है कि आखिर शोएब इब्राहिम ने ये शर्त क्यों रखी है, आखिर शोएब ने बिग बॉस के सामने ये शर्त क्यों रखी। आज हम आपको बताने वाले हैं वो आखिर कौन सी शर्त है। शोएब इब्राहिम ने बिग बॉस के सामने ये शर्त रखी है कि वो अगर बिग बॉस में आते हैं तो उनके सामने या उनकी जिंदगी से रिलेटेड कोई भी उनके पास्ट के बारे में पर्सनल बातें नहीं उछाली जाए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जब बिग बॉस हाउस में आते हैं तो वहां पर इंसान की जिंदगी से रिलेटेड काफी ऐसी बातें खुल जाती हैं जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि उनके पास्ट के बारे में ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। अब यही देखते हुए शोएब इब्राहिम ने ये शर्त बिग बॉस के सामने रखी है, क्योंकि शोएब इब्राहिम की जिंदगी में दीपिका का आना, एक हिंदू लड़की से शादी करना, तो शोएब को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी के बारे में, दीपिका के बारे में ये बातें बिग बॉस में जरूर उठेंगी। तो इसीलिए उन्होंने ये शर्त पहले ही बिग बॉस के सामने रख दी गई। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि मुनव्वर फारूकी के पास्ट के बारे में काफी बातें सामने आई थी, उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर, उनकी बीवी को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका पास्ट उनके विनर बनने को नहीं रोक पाया। लोगों ने काफी कोशिश की लेकिन फिर भी वो जीत कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी ने काफी बर्दाश्त किया, काफी मीडिया को जवाब भी दिए, लोगों को भी जवाब दिए और काफी बातों को बर्दाश्त भी किया। फाइट भी हुई, आपने देखा होगा विक्की जैन के साथ और भी कुछ लोग थे जिनके साथ इन सब बातों को लेकर सवाल उठ गए थे। लेकिन शोएब इब्राहिम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी बीवी या उनके बारे में कोई भी सवाल उठाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि शोएब इब्राहिम ने झलक दिखला जा शो में वो एंड तक रहे, जबकि उनसे डांस नहीं आता था लेकिन उन्होंने काफी मेहनत की। जैसे कि बताया जाता है कि शोएब इब्राहिम बहुत शांत स्वभाव के हैं, वो लड़ना झगड़ना किसी को जवाब देना ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं, तो यही आदत बहुत ज्यादा पसंद आती। अब शोएब इब्राहिम को ये भी है कि जैसे कि यूट्यूब पर वो है, जैसे कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नाम दीपिका शोएब का ही आता है और सबसे ज्यादा ट्रोल भी यही होते हैं, जिस पर दीपिका शोएब ने पिछले दिनों जवाब भी देते हुए कहा कि जो इंसान ज्यादा मायने रखता है उसी को ट्रोल किया जाता है, उसी के बारे में गलत बातें की जाती है, यानी कि इसका मतलब हम कुछ हैं। सही बात है, जब कुछ है तभी तो लोग इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं। तो शोएब को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जैसे ही मैं बिग बॉस में जाता हूँ तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं, जिसकी वजह से शोएब काफी डरे हुए हैं। हालांकि दीपिका नहीं डरती है, दीपिका ने शादी के कुछ ही टाइम के बाद बिग बॉस पहुंची थी जहां पर उन्होंने ट्रॉफी भी जीती, लेकिन उनके बारे में जिस तरह से बातें कही गई थी कि एक मुस्लिम लड़के से शादी की है, ये इसको वोट मत करो, लेकिन उनका पास्ट उनको विनर बनने से नहीं रोक पाया। जो लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारी बातों से हो सकता है कि बिग बॉस में वो नहीं विनर बन पाए। तो जैसे कि आपको ये भी मालूम होगा कि बिग बॉस जो है वो वहां पर जो लोग आते हैं उस हाउस में, तो वहां पर क्या होता है कि लोग आपस में कैसे रहते हैं, वो ये नहीं देखते बिग बॉस कि बाहर इनका क्या पास्ट है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो नजर रखते हैं बिग बॉस हाउस पर, सिर्फ उसी की एक लिमिट होती है वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं। बाहर का बिग बॉस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस बात को जानते हुए भी सवाल उठाते रहते हैं।
अगर शुएब को इस बात का डर है तो शुएब ने अगर हिंदू लड़की से शादी की है तो काफी ऐसे टीवी एक्टर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है और हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। तो अगर गुनाहगार मुस्लिम लड़कों को बनाया जाता है तो हिंदू लड़कों को भी तो बनाना चाहिए, जिस पर आपने देखा होगा कि लव जिहाद का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये सब सभी हर कोई इंसान जानता है कि टीवी एक्टर्स हों या बॉलीवुड एक्टर्स हों तो यहाँ पर धर्म को नहीं देखा जाता, यहाँ पर सिर्फ प्यार को देखा जाता है कि आप किसी को कितना पसंद करते हो और वो आपके लायक है या नहीं। तो ये सब है, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो धर्म को लेकर फालतू की बातें करते रहते हैं, लेकिन कभी भी जो है धर्म को लेकर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अब दीपिका शेख इब्राहिम एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अगर मान लिया कि अपने अपने धर्म में शादी करते हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल नहीं होती तो क्या फायदा था उस धर्म का। तो फिलहाल अब यही बातें सामने आ रही हैं कि शोएब इब्राहिम का बिग बॉस 18 में जाना कंफर्म हो चुका है, जहां पर काफी और भी टीवी एक्टर्स का सामना करना होगा शोएब इब्राहिम को। अब देखना यह है कि क्या शोएब इब्राहिम जिस तरह से झलक दिखलाजा में एंड तक बने रहे अपनी मेहनत से, तो अब आगे देखना है कि बिग बॉस में क्या वो बने रहेंगे एंड तक, क्या वो अपनी पत्नी दीपिका कक्कर की तरह ट्रॉफी जीत पाएंगे। कहा जा रहा है कि जिस इंसान के मिलियन से फॉलोवर्स है चाहने वाले हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हैंडल हो या फिर यूट्यूब, हर जगह उनके मिलियन से चाहने वाले हैं। तो फिलहाल शोएब इब्राहिम काफी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास्ट को लेकर या उनकी पत्नी दीपिका को लेकर कुछ बातें बोली जाए और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो इसी बात का उन्हें डर सता रहा है, इसीलिए उन्होंने बिग बॉस के सामने रखी है अपनी शर्त। अब शोएब इब्राहिम अपने दिमाग से ये बात निकालने कि उनके पास्ट जो है यानी कि दीपिका से उन्होंने शादी की, कोई गलत नहीं किया है, तो वो उस बातों को लेकर वहां पर सवाल उठेंगे तो बिग बॉस जो बिग बॉस हाउस में कैसा बर्ताव रहता है दूसरों के साथ और वो कैसा गेम खेलते हैं, तो वहां पर उन बातों को देखा जाता है, ना कि उनके पास्ट के बारे में उन्होंने क्या किया है अपनी जिंदगी में। कोई गलत नहीं किया है, कोई क्रिमिनल नहीं है शोएब इब्राहिम, एक अच्छे इंसान है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर शोएब बिग बॉस में जाते हैं तो वो जरूर ट्रॉफी लेकर अपने घर लौटेंगे। जो बंदा डांस नहीं जानता था और वो अपनी मेहनत से झलक दिखलाजा शो में वो एंड तक बने रहे, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो बिग बॉस में तो ऐसी कोई मेहनत नहीं होती, सिर्फ अपनी आदतों को दिखाना होता है और उनके अपने रहन सहन को दिखाना होता है कि वो दूसरों के साथ कैसे रहते हैं। तो आपका ये कहना है शोएब इब्राहिम के बारे में, क्या शोएब इब्राहिम की ये शर्त सही है या गलत, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। आपसे जाना चाहते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।